नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। क्या क्या चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी, तो सबसे पहले बात करेंगे अपराइजिंग्स इन पलामू के बारे में, फिर पॉलीगर्स रिवॉल्ट के बारे में, भिवानी अपराइजिंग के बारे में, बुंदेलखंड रिवॉल्ट के बारे में, और फिर परला की मेड़े आउटब्रेक के बारे में। इनके साल भी आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। और एक और चीज, बहुत बार आप लोग मुझसे पीडीएफ की डिमांड करते हो दोस्तों, तो आज से मैं पीडीएफ देना शुरू कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पीपीटी को, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा अपने ब्लॉग पे। जो लिंक है जहां पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके मेरे ब्लॉग पे, ब्लॉग पोस्ट के नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप आराम से इस पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम उस तरीके से रिजोल्व भी कर दूंगा, अगर आपको पीडीएफ को प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। आगे बढ़ने से पहले, आई होप आपने इस किताब को भी खरीद लिया होगा और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें अपराइजिंग इन पलामू के बारे में, जो कि 1800 से लेकर 1802 में हुई। लाइक का बटन आई होप अब तक आपने दबा दिया होगा दोस्तों। 1783 में दोस्तों ये पलामू नाम की जो जगह है, सबसे पहले अगर पलामू नाम की जगह देखी जाए तो देखिए ये झारखंड का स्टेट दिख रहा है, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, ये दिख रही है आपको पलामू डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ में बिहार है। हालांकि ये जो पलामू का इलाका था उस समय थोड़ा बड़ा था, डिस्ट्रिक्ट तो अभी बनी है ना, उस समय पे इलाके थोड़े बड़े थे। यहाँ पे राजा था, राजा विश्वनाथ राय, जिसकी मृत्यु होगी 1783 में। बाद में कौन गद्दी पर बैठा, चूड़ामण राय। चूड़ामण राय का क्या सीन था कि भैया ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा टैक्स चाहिए। अब अगर ज्यादा टैक्स चाहिए तो आपको किसानों को परेशान करना पड़ेगा, अगर आप किसानों को परेशान करोगे तो किसान नाराज होंगे। तो चूड़ामण राय ने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जिसकी वजह से इसके नीचे जो जनता थी वो नाराज होगी। और जनता में मैक्सिमम लोग कौन थे उस समय पे, कोई खौर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती नहीं थी, ट्रेड थोड़ा बहुत होता था, जो थोड़ा बहुत था वो भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। तो मेन चीज क्या थी, फार्मिंग। तो जो टीनेंट्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने बिगुल बजा दिया चूड़ामण राय के अगेंस्ट में। और एक्चुअली में ये बिगुल चूड़ामण राय के अगेंस्ट में नहीं था, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट था। चूंकि देखिए चूड़ामण राय तो एजेंट किसका था, ब्रिटेन का था, तो ब्रिटिश वाले चूड़ामण राय को बताते थे कि भाई इतना पैसा चाहिए, चूड़ामण राय नीचे दबाता था सबको, चूड़ामण राय की खुद का भी लालच था। तो इस ट्रीन एंट्री ने कर दिया रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट को बोला गया चेरो इंसरेक्शन, 1800 में हुआ। इंसरेक्शन मतलब रिवॉल्ट ही होता है। और इस इंसरेक्शन का जो लीडर था वो था भूकन सिंह। भूकन सिंह चेरो कम्युनिटी का एक मेंबर था। जब ये रिवॉल्ट हो गया तो अंग्रेजों को आना ही था चूड़ामण राय की मदद के लिए, तो अंग्रेज आए इस फोर्स के साथ। जब तक दोस्तों अंग्रेज आएंगे तब तक चूड़ामण राय का काफी नुकसान हो चुका था। चूड़ामण राय का, इनकी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी इनको तोड़फोड़ दिया लोगों ने, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनको काफी परेशान किया, ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए इस चेरो इंसरेक्शन में। ब्रिटेन जब फोर्स के साथ आया तो ब्रिटेन ने इस इंसरेक्शन को दबाया, और इस इंसरेक्शन को दबाने के लिए ब्रिटेन ने किसको भेजा, कोलोनल जोन्स को। कोलोनल जोन्स ने 2 साल तक इस इंसरेक्शन को दबाया पलामू में और सरगुजा में। पलामू की लोकेशन मैं आपको दिखाई चुका हूं, सरगुजा छत्तीसगढ़ में कहीं यहां पर डिस्ट्रिक्ट है। तो उस समय पलामू और सरगुजा बहुत बड़े हुआ करते थे, तो इनकी बाउंड्री मिलती थी। आज की डेट में छत्तीसगढ़ में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, पलामू झारखंड में है, और दोनों के बीच में काफी गैप है। अच्छा, ये जो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट मैप है ना दोस्तों, झारखंड पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट का आइडिया आपको होना चाहिए। आगे बात करें तो भाई तगड़ा इंसरेक्शन हुआ झारखंड में, पलामू इंसरेक्शन। इस इंसरेक्शन को लीड किया भूकन सिंह ने। भूकन सिंह की मृत्यु हो गई 1802 में, और 1802 के बाद ये जो इंसरेक्शन था वो शांत पड़ गया। ठीक है, तो ये था आपका पलामू इंसरेक्शन ऑफ झारखंड। आगे चलते हैं पॉलीगर रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं। पॉलीबर एक कम्युनिटी थी साउथ इंडिया की, ब्रिटेन को तगड़ी टक्कर दी इन्होंने। कौन से टाइम पीरियड में, 1795 से लेकर 1805 के टाइम पीरियड में तगड़ी टक्कर। 2 रेबेलियंस हुए यहाँ पे, फर्स्ट रेबेलियन और एक है आपका सेकेंड पॉलीगर वॉर। 2 रेबेलियंस हुए एक्चुअली, सेकंड पॉलीगर वॉर पे मत जाइए। फर्स्ट रेबेलियन जो हुआ वो 1795 से 1799, जो सेकंड वाला है वो 1800 के लगभग शुरू होगा। इस पूरे रेबेलियन को मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए जब शुरुआत में दोस्तों ये अपराइजिंग्स होंगी तो इन अपराइजिंग्स का मेन सेंटर होगा तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई, नॉर्थ हारकोट। अब आप बोलोगे सर आप तो ये लोकेशंस देख गए, हम कैसे जाने। तो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको लोकेशंस बताई वो इसी सर्कल में मिलेंगी आपको। और ये सर्कल वो इलाका है जहां पे पॉलीगर्स का राज हुआ करता था, पॉलीगर्स हमेशा से यहां पे रह रहे थे।
अब प्रॉब्लम कब होगी दोस्तों, प्रॉब्लम शुरू होगी 1781 में। जो आरकोट का नवाब था, आरकोट के नवाब की ब्रिटेन के साथ बनती थी, या मान लीजिए कि आरकोट ने नवाब ने ब्रिटेन के सामने घुटने से टेक दिया, तो उस केस में क्या हुआ कि जो नवाब ऑफ आरकोट था, उस नवाब ऑफ आरकोट ने जो कर्नाटक की बहुत सारी प्रोविंसेस थी, और ये जो तिरुनेलवेली है जो कि यहां कहीं पे है दोस्तों, इस तिरुनेलवेली का भी कंट्रोल दे दिया अंग्रेजों को। बहुत सारी ऐसी कर्नाटक प्रोविंसेस थी जो कि नवाब ऑफ आरकोट के अंदर थी, उसका कंट्रोल भी दे दिया अंग्रेजों को। अब ये जो तिरुनेलवेली और जो दूसरी कर्नाटक प्रोविंसेस हैं, यहां पे रहते कौन थे? यहां पे रहते थे पॉलीगर्स, और पॉलीगर्स के ट्रेडिशनल राइट्स थे अपनी जमीन पे। और आप अंग्रेजों को तो जानते हो, जैसे ही अंग्रेजों को इन इलाकों का कंट्रोल मिलेगा, अंग्रेज वहां पे जाके क्या करेंगे? टैक्स वसूलने लगेंगे। पॉलीगर्स बोलेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो हमारा इलाका है, ये आपने अंग्रेजों को दे दिया, हम तो यहाँ की इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी है, हमारी जगह पे अंग्रेज घुस रहे हैं। अच्छा, आप एक बात और खास देखोगे दोस्तों, मुगलों के समय पे भी, खासकर अंग्रेजों के समय पे भी, ये जो इलाका था ये मुगलों के अंदर नहीं आया था, लेकिन अंग्रेज अब इस इलाके पे भी कंट्रोल कर रहे थे अपना। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, तो यहाँ पे जो रहने वाले पॉलीगर्स थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। ठीक है, जो ये बिगुल बजा था वो कौन सी वजह से बजा था? ये बजा था टैक्सेशन। ये क्या बोले थे? हम पे टैक्सेशन लगाया जा रहा था, लेकिन इस रिवॉल्ट का एक पॉलिटिकल एंगल था। पॉलिटिकल एंगल क्या था कि ये लोग ब्रिटिश सब्जुगेशन नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, जो पहला पॉलीगर वॉर छिड़ेगा वो छिड़ेगा सितंबर 1799 में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट इन मॉडर्न तमिलनाडु। और यहां पे जो पॉलीगर्स को लीड कर रहे थे वो कौन थे? कटाबोमा नायक, जिनको बोला जाता है वीरा पांडी कटाबोमम, जो कि पंचलन कुरिची पलयम के हेड थे। पंचरम कुलिची पलयम एक इलाका था, उस इलाके के ये हेड थे कटाबोमम। कटाबोमम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दोस्तों। कटाबोमम के रोल को अगर आपको समझना हो तो आप देखोगे ये जो पंचल कुरिची था यहां के, वो पॉलीगर, पॉलीगर मतलब लीडर हो गया। ओके, अच्छा, कभी कभी दोस्तों ये जो पॉलीगर शब्द है, यहाँ पे पॉलीगर शब्द पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया पॉलीगर एक क्लास थी। एक्चुअली में क्लास इस तरीके से थी दोस्तों कि जो साउथ इंडिया में लीडर हुआ करते थे ना, लोकल लीडर से एक इलाके के, इनको पॉलीगर बोला जाता था। तो ये जो पॉलीगर नाम का शब्द था ये एक्चुअली में एक फ्यूडल टाइटल भी था। तो दिस वॉज बेसिकली अ फ्यूडल टाइटल। तो जो एक जगह के लीडर, एक लोकल इलाके के लीडर होते थे, उनको बोला जाता था पॉलीगर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीरा पांडी कटाबोमम ये पंचल कुरिची के पॉलीगर थे, मतलब लीडर थे। हालांकि कुछ समय बाद कई कई जगहों पे लोगों ने पॉलीगर को एज अ क्लास, ठीक है ना, एज अ ट्राइब भी इस्तेमाल किया। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए दोस्तों, ये जो वीरा पांडी कटाबोमम है ये हमेशा से ब्रिटिशर्स को डिफाई कर रहा था। 7 साल तक इसने मना कर दिया कि मैं ब्रिटिश की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना मैं उनके अंदर हूं और ना ही मैं उनको कोई रेवेन्यू दूंगा। और ऑब्वियसली बात है, आप देखोगे जब आप ऐसा ब्रिटिशर्स को बोलोगे, ब्रिटिशर्स को चाहिए पैसा, ब्रिटिशर्स इस समय ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर रहे थे और यहां पे एक छोटी सी जगह है जहां पे पॉलीगर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन जंग छेड़ देगा। अब जब ब्रिटेन जंग छेड़ देगा तो शुरुआत में तो भैया ये जो वीर पंडी कटाबोमम है ये जीतेंगे। तो 1795 से लेकर 1799 तक तो सीधे सीधे बवाल बना। 1799 में एक वॉर होगा और उस वॉर में शुरुआत में वीर पंडिया कटाबोमम था वो अंग्रेजों को हरा देगा एक छोटे से बैटल में। अब अंग्रेज गुस्सा हो जाएंगे और अंग्रेज बोलेंगे वीर पंडी कटाबोमम के सर पे हम इनाम रख रहे हैं। अब देखिए, वीर पंडी कटाबोमम बहुत माना हुआ पर्सन था इस इलाके में, लोग इसको मानने लगे थे, लोग इसको फॉलो करने लगे थे। तो अंग्रेजों ने अपनी हार का चुकता करने के लिए बहुत सारे रीइंफोर्समेंट भेजे इस इलाके में। और ऑब्वियसली बात है, देखिए अंग्रेजों की फोर्सेस ज्यादा ऑर्गेनाइज थी और पॉलीगर्स की फोर्सेस ना उतनी एडवांस थी, ना डिसिप्लिन थी, ना ऑर्गेनाइज थी। तो ये पॉलीगर्स बाद में आप देखोगे हारेंगे ब्रिटेन से। जब पॉलीगर्स ब्रिटेन से हारेंगे तो इनका एक जो लीडर था कटाबोमम, ये कटाबोमम भाग के जाके जंगलों में छिप जाएगा, ठीक है, और वहां से अपने रिवॉल्ट को चालू रखेगा। लेकिन यहां पे कटाबोमम के एक साथी पॉलीगर ने इसे धोखा दे दिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एटप्पन। एटप्पन ने धोखा दे दिया किसको? वीर पंडी कटाबोमम को। वीर पंडी कटाबोमम को पकड़ लिया गया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसको कब, कहां, कैसे फांसी पे चढ़ाया गया ये बताया नहीं गया। इसका एक साथी था कटाबोमम का, सुब्रमण्य पिल्लई, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। सौंदरा पंडियन,
उसको भी मार दिया गया। बहुत सारे और पॉलीगार्ड्स थे जिनको पकड़ लिया गया, या तो जेल में डाल दिया गया या उनको मार दिया गया। और ये बोला जाएगा कि जो फर्स्ट फेज ऑफ पॉलीगर वॉर था यो वहां पे खत्म होगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ पॉलीगर वॉर में भी ब्रिटेन का दिमाग खराब हो गया था इस पॉलीगर वॉर को दबाने में, जो कि जो पॉलीगर्स थे ये बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहे थे। फिर क्या आएगा? फिर आएगा सेकेंड पॉलीगर वॉर। और सेकेंड पॉलीगर वॉर में क्या होगा दोस्तों? देखिए, जिन पॉलीगर वॉर को फर्स्ट पॉलीगर वॉर में पकड़ा था, सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज भी समझ लिए। फर्स्ट फेज आया 1795 से 1799 में, सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा 1800 में। तो भैया 1799 में कई सारे पॉलीगर्स को पकड़ के तो एग्जीक्यूट कर दिया, जो मेन मेन लीडर थे, कई सारे पॉलीगर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वो जेल से भाग जाएंगे, तो फोर्ट ऑफ पलम कोटा में उनको इम्प्रिजन किया था, वो भाग गए। ओके, जब वो भागेंगे इधर उधर, देखिए अब इन पॉलीगर्स को इनके इलाके में माना तो जाता था, ओके, भले ही ब्रिटेन जीत गया था बट इलाका तो हमेशा से इनका था ना, लोग हमेशा से इनके थे, लोग इनको बहुत मानते थे। तो जब ये पॉलीगर्स भाग जाएंगे, ये बहुत सारे फोर्ट्स पे कब्जा कर लेंगे और इवन टूटीकोरिन को कब्जा कर लेंगे। टूटीकोरिन कहां दिखेगा आपको? समवेयर हेयर इस टूटीकोरिन। ओके दोस्तों, तो टूटीकोरिन पे भी कब्जा कर लेंगे। इन रेबल्स को लीड कौन कर रहा था? रेबल्स मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहां पे जो रेबल्स को लीड कर रहा था उस पर्सन का नाम था ओमाथुरई। ओमाथुरई कटबोमम का भाई था और उसने एक साउथ इंडियन कन्फेडरेसी बनाई। इस साउथ इंडियन कन्फेडरेसी में ओमाथुरई, जो कि कटबोमम का भाई था, उसका साथ कौन दे रहा था? मरुदु पंडियान ऑफ शिवगंगा, धीरान चिन्नामलाई ऑफ कोंगुनाडु, गोपाल नायक ऑफ डिंडीगुल, कृष्णप्पा नायक एंड धुंधाजी ऑफ मैसूर, पजस्सी राजा केरल वर्मा ऑफ मालाबार। पजस्सी राजा केरल वर्मा के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की है दोस्तों। अब ये जो रिवॉल्ट होगा, अब ये जो लड़ाई होगी ब्रिटेन के बीच में और पॉलीगर्स के बीच में दोस्तों, भैया ये खतरनाक होगी, बहुत खून बहेगा इसमें, ज्यादा वायलेंट थी ये लड़ाई। ओके, अच्छा यहां पे आप ये भी समझो दोस्तों कि एक्चुअली में लड़ाई हो क्यों रही थी। लड़ाई हो इसलिए रही थी कि ब्रिटेन ने एक्सेसिव टैक्स को इम्पोज किया। ऐसा नहीं था कि पॉलीगर्स टैक्स नहीं दे सकते थे, ये लिमिटेड टैक्स दे सकते थे। नवाब ऑफ ऑर्कोट के इलाके के अंदर ही आते थे तो लिमिटेड टैक्स देने को तैयार थे, पर ब्रिटेन कब लिमिटेड टैक्स मांगता है? ईस्ट इंडिया कंपनी कब लिमिटेड टैक्स मांगती है? उसको तो भैया भर भर के पैसा चाहिए। तो जब ये लड़ाई हुई सेकंड पॉलीगर वॉर, इस सेकंड पॉलीगर वॉर में ही पॉलीगर्स हार जाएंगे। एक साल लगेगा इस रेबेलियन को सप्रेस करने में। एक साल के बाद कर्नाटिक ट्रीटी ऑफ 1801 साइन होगी, जिसमें पूरा का पूरा तमिलनाडु का कंट्रोल ब्रिटेन के पास आ जाएगा और पॉलीगर्स की पूरी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। यहाँ पे पॉलीगर्स कुछ समय के लिए लगेंगे कि खत्म हो गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो 1801 में सेकेंड पॉलीगर वॉर खत्म हुआ, उसके बाद एक और बवाल चलेगा और वो बवाल चलेगा आपका 1803 से लेके 1805 के टाइम पीरियड में नॉर्थ आर्कोट में। देखिए जो मद्रास चेन्नई है ना दोस्तों, इसके आसपास इलाका था नॉर्थ आर्कोट का। इस नॉर्थ आर्कोट में कुछ और पॉलीगार्स को आ गया गुस्सा। क्यों? क्योंकि पॉलीगार्स से छीन लिया गया किसका हक? कवाल का हक, KAVAL। कवाल फीस लगाते थे ये पॉलीगर्स अपने इलाके में। क्या होता था कवाल में? देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन था, अपनी जगहों पे छोटे छोटे जो विलेजेस है ना, उन विलेजेस के ऊपर टैक्स कलेक्शन के राइट दिए जाते थे इन पॉलीगर्स को। वो टैक्स कलेक्शन के राइट्स इनसे छीन लिए गए। तो आप देखोगे ये जो इलाका है, इस इलाके में और इसके आसपास के कुछ इलाके में 1803 से लेकर 1805 तक एक और बहुत बड़ा बवाल होगा, जिसमें आसपास के पॉलीगर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फाइनली 1803 में जब ये शुरुआत होगा, 1805 में जाके खत्म होगा। तो जो फर्स्ट फेज चला वो चला आपका 1795 से 1799, फिर आपका सेकंड पॉलीगर वॉर शुरू हुआ 1800 से 1801, और उसके बाद 1803 से लेकर 1805 तक नॉर्थ आर्कोट में चला बवाल। एंड में ब्रिटेन को थोड़ी बुद्धि आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आया कि भैया देखो इनके साथ कुछ बीच का अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे पॉलीगार्स को कुछ लिमिटेड रेवेन्यूज रखने की परमिशन दे दी है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि कब तक इनसे लड़ते रहेंगे, ये तो भाई लड़े ही जा रहे हैं, पहले 1795 में शुरू हुए, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और एक्चुअली में जो पॉलीगार्स की लड़ाई थी ना, ये बड़ी इफेक्टिव थी, इन्होंने तगड़े तरीके से काउंटर किया था ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन को भी एंड में इनको थोड़े बहुत कंसेशंस देने पड़े, बट आप देखिए पॉलीगर्स हार गए थे ब्रिटेन से, बट ब्रिटेन को इन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। आगे आते हैं दोस्तों, भिवानी अपराइजिंग के बारे में बात करते हैं 1809। भिवानी डिस्ट्रिक्ट आपको हरियाणा में नजर आ रही है, ये रही आपकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट, इधर नजर आ रही है। ओके,
इस तरफ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में आपको कौन सा राज्य नजर आ रहा है? राजस्थान। जो जाट थे हरियाणा के, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बिगुल बजा दिया और भिवानी के फोर्ट्स में अपने आप को छुपा के बैठ गए। और भैया भिवानी के फोर्ट, फोर्ट का तो आपको पता ही है दोस्तों क्या हिसाब होता है, बड़ी बड़ी दीवारें अंदर के एस्टेब्लिशमेंट को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेंगी और अपने सारे सप्लाईज को स्टोर करके ये जो जाट्स थे हरियाणा के, वो भिवानी के फोर्ट्स में अपने आप को अंदर बंद करके बैठ गए और अंग्रेजों की बातें माननी बंद हो गई। समय लग गया अंग्रेजों को इस अपराइजिंग को दबाने में। ओके, अगली अपराइजिंग पे आते हैं और ये अपराइजिंग है दीवान वेलू थाम्पी रिवॉल्ट, जो कि हुआ 1808 से लेके 1809 में। ये होगा कहाँ? तो ये होगा आपका ट्रेवनकोर में। आप बोलोगे ट्रेवनकोर कहाँ है? तो दोस्तों इस मैप में ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, बेसिकली दिस एरिया इज ट्रेवनकोर। ये इलाका शुरू कैसे हुआ? हर स्टेट में जो रिवॉल्ट की वजह थी, वही ट्रेवनकोर में रिवॉल्ट की वजह थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था पैसा। सबसे पहले तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस के अरेंजमेंट को ट्रेवनकोर में लगा दिया। तो ट्रेवनकोर के राजा से कहा गया आप फोर्स रखेंगे, उस फोर्स की हमको पेमेंट करेंगे। तो भैया सब्सिडरी अलायंस रख दिया इस रीजन में, सब्सिडरी अलायंस की फोर्सेस के लिए अच्छा खासा पैसा मांगा गया ट्रेवनकोर से। पैसा एक समय के बाद ट्रेवनकोर का राज दे नहीं पाया। देखिए कोई भी राज्य आपका सब्सिडरी अलायंस में एक समय के बाद पैसा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी हार्श हुआ करती थी। चलिए कोई बात नहीं। फिर जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, आपको पता है अंग्रेजों के जो रूल करने का तरीका था बड़ा तगड़ा था, वो जहां पे भी सब्सिडरी अलायंस लगाते थे वहां पे अपने रेजिडेंट को रख देते थे। और ये रेजिडेंट वर्चुअली हर एडमिनिस्ट्रेटर की चीज में इंटरफेयर करता था, चाहे ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो, चाहे कोई लोकल ट्रेड डिसीजन हो, चाहे कोई बिजनेस डिसीजन हो, चाहे कुछ भी करना हो राज्य में, हमेशा ये ब्रिटिश रेजिडेंट इंटरफेयर करेगा। अब अगर एक सोवरेन राजा है जो अपने आप को सोवरेन समझ रहा है, हालांकि जैसे ही आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस ली आपने सोवरेन रहे नहीं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सोवरेन हो, तो आपकी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कोई आपके काम में इंटरफेयर ना करे। ब्रिटेन का रेजिडेंट हमेशा काम में इंटरफेयर कर रहा था। तो आप देखोगे दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके ट्रेवनकोर में, जिनका नाम था वेलू थाम्पी, इस प्राइम मिनिस्टर को दलवा भी कहा जाता था। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर को ट्रेवनकोर में दलवा भी बोला जाता था, DALAWA। और ये कौन थे? ये थे वेलू थाम्पी। वेलू थाम्पी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वेलू थाम्पी ने बोला कि भैया इनको तो हटाना ही पड़ेगा। कुंद्रा नाम की एक जगह है ट्रेवनकोर में, वहां पे वेलू थाम्पी ने किया कुंद्रा प्रोक्लेमेशन। और इस प्रोक्लेमेशन ने वेलू थाम्पी ने क्या बोला कि भैया इन ब्रिटेन के खिलाफ हथियार उठा लो, इन ब्रिटेन को अब निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, नहीं तो ये हमको बर्बाद कर देंगे। और एक रेबेलियन छेड़ दिया किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट रेबेलियन छिड़ा है तो यहाँ पे न्यूड फेज ऑफ कोलोनियलिज्म सामने निकल के आता था। ब्रिटेन के अगर अगेंस्ट आप रेबेलियन छोड़ोगे तो ब्रिटेन पूरे दम से उस रेबेलियन को दबाएगा, और ब्रिटेन ने रेबेलियन को दबाना शुरू किया और दबाने में वो कामयाब भी हो गया। अच्छा, एक और खास बात थी इसमें दोस्तों, जो ट्रेवनकोर का महाराजा था, ये जो आपके वेलू थाम्पी थे ये प्राइम मिनिस्टर थे, जो महाराजा था जो बैठे बैठे खाता था, वो बीच में कंपनी का सपोर्ट करने लगा। ओके, तो आप देखोगे ट्रेवनकोर का जो प्राइम मिनिस्टर है वेलू थाम्पी, जिसको लोग मानते हैं वो एक तरफ ब्रिटिश से जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ ट्रेवनकोर का राजा, ट्रेवनकोर के राज्य को क्या लग रहा है कि ब्रिटेन तो हमको हरा ही देंगे, हार देंगे तो ये हमको मार देंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए मैं ब्रिटेन की साइड मिल जाता हूं। और ये ब्रिटेन की साइड जाके मिल गया। और वेलू थाम्पी तो भाई देखिए कमजोर पड़ ही रहा था, छोटा सा ट्रेवनकोर का राज्य, कितनी ही आर्मी थी इनके पास, और ब्रिटेन जहां पूरे इंडिया पे वो कब्जा जमा रहा था। तो वेलू थाम्पी हार गया, ऑलमोस्ट वेलू थाम्पी कैप्चर करने वाला था। वेलू थाम्पी ने बोला कि मैं ब्रिटेन के कैप्चर में नहीं आऊंगा, और वेलू थाम्पी ने अपने आप को मार दिया। और उसके बाद देखोगे जब वेलू थाम्पी मर जाएगा, उसके बाद जो ये रेबेलियन है, जो आपका वेलू थाम्पी रिवॉल्ट है, ये भी दब जाएगा। कहां पे हुआ था? ये ट्रेवनकोर में हुआ था, आप कह सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट रिवॉल्ट कौन सा है? बुंदेलखंड रिवॉल्ट। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले तो बुंदेलखंड की लोकेशन दीजिए। ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आ रहा है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ये जो बुंदेलखंड का इलाका था, ये ब्रिटेन ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। और चूंकि बंगाल, बंगाल प्रोविंस के पास था, तो इस बुंदेलखंड को किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया? बंगाल प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब अंग्रेजों का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पैसा तो ये खींच के लेंगे। इन इलाकों में रहते थे बुंदेला चीफ।
बहुत सारे बुंदेला चीफ रहते थे, उनकी काफी सारे फोर्ट्स भी थे, लगभग 150 फोर्ट थे इस इलाके में। इन बुंदेला चीफ ने बोला भाई नए गवर्नमेंट के साथ चल नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए नई गवर्नमेंट थी एक्सप्लॉयटेटिव, उसकी एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी थी, कोलोनियलिस्ट टेंडेंसी थी। अब जब आपकी कोलोनियल टेंडेंसी है तो किसको पसंद आएगा? किसी को पसंद नहीं आएगा भाई। तो ये जो आपका बुंदेला चीफ है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल छेड़ा। अब ये बिगुल एक साथ नहीं छेड़ा गया दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे, एक पर्सन था, एक किलादार था, आप समझिए, जिसका नाम था लक्ष्मण दावा। लक्ष्मण दावा किलादार था अजयगढ़ फोर्ट का। लक्ष्मण दावा को अंग्रेजों ने यह परमिशन दी कि आप अपने फोर्ट का पोजेशन ले सकते हैं 1808 तक। जब 1808 आया तो लक्ष्मण दावा ने बोला कि भाई देखो मुझे तो आगे भी पोजेशन चाहिए, अंग्रेजों ने मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने मना कर दिया तो लक्ष्मण दावा ने रेजिस्टेंस छेड़ दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट। लक्ष्मण दावा की आइडेंटिटी इस फोर्ट से थी, अगर उसका फोर्ट ही इससे छीन लोगे तो वो तो बवाल करेगा ही करेगा। तो ये अजयगढ़ फोर्ट का किलादार था। सबसे पहले लक्ष्मण दावा ने बवाल छेड़ा। लक्ष्मण दावा काफी समय तक लड़ाई करता रहा। आप देखोगे फरवरी 1809 में लक्ष्मण दावा ने हथियार डाल दिए। तो ये पहला रेजिस्टेंस था, बुंदेलखंड रेजिस्टेंस। बाद में किसने किया? तो भैया कलंजार का किलादार था दरिया सिंह। सो द किलादार ऑफ कलंजार दरिया सिंह, उसने भाई अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल छोड़ा, उसको भी जनवरी 1812 में सप्रेस कर दिया गया। तो यहां पे देखिए जो भी रेजिस्टेंस हो रहा है ना, वो आइसोलेशन में हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा, मिलके नहीं कर रहे हैं। तो किलादार एक एक करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कहां जीत पाओगे अंग्रेजों से एक एक करके? जो सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस दिया वो दिया गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह का एक अच्छे खासे इलाके में कंट्रोल था बुंदेलखंड में। गोपाल सिंह का जिस इलाकों में कंट्रोल था, उस इलाके में राजा के तौर पर अंग्रेजों ने गोपाल सिंह के अंकल को बैठा रखा था। गोपाल सिंह की अपने अंकल के साथ बनती नहीं थी, तो अंकल को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन। गोपाल सिंह के साथ थे उस जगहों के लोग। काफी बवाल हुआ। गोपाल सिंह दो तीन सालों तक अंग्रेजों को चकमा देता रहा। एंड में अंग्रेजों को समझ में आया कि भैया ये जो बुंदेला चीफ है, ये एक एक करके रिवॉल्ट कर रहे हैं, कुछ करके भैया एक परमानेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एंड में जो परमानेंट एग्रीमेंट निकल के आया, वो निकल के आया इकरारनामा के फॉर्म में। इकरारनामा में क्या हुआ कि जितने भी बुंदेला चीफ्स थे उनके साथ अंग्रेजों ने इकरारनामा साइन किया, और इस इकरारनामा के तहत इन बुंदेला चीफ्स को थोड़े बहुत कंसेशंस दिए गए। कहा गया कि भैया थोड़ा बहुत टैक्स आप रख लो, और आप एक इकरारनामे पे साइन करोगे, मतलब अब आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल नहीं बजाओगे, आपको हम लोग लिमिटेड राइट्स देंगे। ब्रिटेन कभी भी अनलिमिटेड राइट देता नहीं था, वो हमेशा लिमिटेड राइट देता था। और इस इकरारनामे के बाद, इस इकरारनामे के इंस्टीट्यूशन के बाद, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के बाद, जो बुंदेलखंड के डिस्टर्बेंसेस हैं वो काफी कम हो गए। फाइनली आते हैं हम लोग परला की मेड़ी आउटब्रेक 1813 से 1834। काफी लंबे समय के लिए चला। सबसे पहले तो देखिए परला की मेड़ी, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट आउटब्रेक है नहीं, बट स्पेक्ट्रम में दे रखा है तो दो मिनट में देख लेते हैं। गंजम डिस्ट्रिक्ट है जो ओडिशा की, उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे है ये, अभी के लिए ओडिशा में है। यहां पे भी जमींदार और राजा ने अंग्रेजी फोर्सेस के अगेंस्ट बिगुल बजा दिया। क्यों बिगुल बजाया? वही एक कारण, एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन। सबसे पहले तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, जब गंजम को कंपनी ने अक्वायर किया तो उस समय पे राजा कौन थे? तो नारायण देव थे। उसके बाद नारायण देव ने कंपनी के अगेंस्ट में बिगुल बजा दिया। नारायण देव पूरी तरीके से कंपनी की बात मान नहीं रहे थे। जब पूरी तरीके से कंपनी की बात नारायण देव नहीं मानेंगे तो ब्रिटिश एक आर्मी भेजेंगे, किसके अंदर? कोलोनल पीच के अंदर। कोलोनल पीच की आर्मी जाएगी, वो नारायण देव को हरा देगी। नारायण देव को 1768 में हरा दिया गया। बाद में गद्दी पर किसको बैठाया गया? गजपति राव को, सॉरी गजपति देव को गद्दी पर बैठाया गया। ये जो गजपति देव था दोस्तों, ये गजपति देव बेटा था नारायण देव का। तो गजपति देव को गद्दी पर बैठाएगा और बोला तुम मेरे पपट की तरह काम करोगे, ऐसा नहीं बोला होगा, मतलब तुम जमींदार हो, समझे? तो मतलब पहले नारायण देव जमींदार थे, उनसे पैसा मांगा अंग्रेजों ने, उन्होंने दिया नहीं, तो अंग्रेजों ने लड़ाई करके नारायण देव को हटा दिया और उनके बेटे गजपति देव को गद्दी पर बैठा दिया। और गजपति देव से बोला तुम हमको टैक्स दोगे। बाद में गजपति देव को समझ में आया कि भैया कोई फायदा नहीं है, अंग्रेजों को हम पूरी तरीके से कभी खुश कर नहीं पाएंगे। तो फिर गजपति देव ने अपने फादर नारायण देव की मदद की, सबने मिलकर फिर से रिवॉल्ट कर दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट। और जब फिर से रिवॉल्ट हुआ अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो ये जो उड़ीसा का इलाका आता था वो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास में आता था, सॉरी
प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास ने जॉर्ज रसल को यहां पे अपॉइंट किया। अब आई एम नॉट श्योर कि उस समय पे ये इलाका किसके अंदर में आता था, बट फिर भी यहां पे स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास थी उसने एक जो कमिश्नर अपॉइंट किया, किसको? जॉर्ज रसल को। इस जॉर्ज रसल को बोला गया कि जाओ और जाके ये जो गजपति राव और नारायण देव ये जो बवाल मचा रहे हैं इसको जाके शांत करो। और ऑब्वियसली बात है, जॉर्ज रसल को पूरी तरीके से ताकत दे दी गई, चाहे किसी को मारो, चाहे किसी को दबाओ, चाहे किसी को फांसी पे चढ़ाओ, आप कुछ भी करो, इस आउटब्रेक को रोको। और फाइनली आप देखोगे 1832 में जॉर्ज रसल को कमिश्नर बनाया गया, 1834 तक इस रिवॉल्ट को, इस आउटब्रेक को जॉर्ज रसल सप्रेस कर चुका था। तो यहां पे वीडियो खत्म कर रहे हैं, अगली बार कच्छ रेबेलियन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, शेयर किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।